जल्दी चलिए ना भैया। मैडम जल्दी जल्दी चलेगी तो रिक्शा पलट भी जाएगी। I'm sorry. Sorry doesn't matter. तुमने जो किया। रुको। नंदी, तुम इसी वक्त यहाँ से जाओ। Please just go. निक। बरखा दी की तबीयत खराब है, मैं इनहेलर लेके आता हूँ। बरखा की तबीयत अचानक, क्या हुआ? सब शोर मचा रहे थे, लड़ रहे थे और बरखा को ब्रीदिंग प्रॉब्लम। बरखा क्या हुआ? क्या हुआ? आप दोनों अपने मन की करके चले गए, एक छोटे से कमरे में हम सबको बंद करके चले गए भेड़ बकरी की तरह। सफोकेट हो गई बरखा। बरखा आप लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था, अगर हर्ष भाई यहाँ पे नहीं होते ना तो मैं जिंदा नहीं बचती। बरखा प्लीज स्टॉप टॉकिंग, पहले नीलर को अपना काम करने दो, टेक इट इजी। ओके देखो हम लोग सिर्फ ये चाह रहे थे कि तुम लोग आपस में बात करो बस, और कुछ नहीं। और इस चक्कर में अगर बरखा को कुछ हो जाता तो, कोई प्रॉब्लम हो जाती तो? भाई प्लीज। कैसे हो जाती कोई प्रॉब्लम, जब बरखा के भाई बहन उसके साथ थे और जब बड़ा भाई उसके साथ था तो किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले उससे जूझना होता है ना। हाँ हम चाहते थे कि यह त्योहार तुम सब एक साथ मनाओ, पर आज जो तुमने किया है वो एक राखी बंधवाकर रक्षा का वचन देने से कहीं बड़ा है। इस रीत के पीछे का सही मतलब तुमने आज साकार किया है हर्ष, अपनी बहन की जान बचाकर। जानते हो माँ बाप एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा क्यों चाहते हैं? ताकि कल को माँ बाप रहे ना रहे, परिवार साथ रहे, भाइयों से बहनों से एक दूसरे का साथ दे जीवन भर, वो एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो। हर्ष आज जो कुछ भी तुमने किया है उसे थैंक यू बोलकर मैं छोटा नहीं करना चाहती, पर सही मायने में आज तुमने बड़े भाई का फर्ज निभाया है। पल्लवी बिल्कुल सही कह रही है, अब तुम्हें राखी बंधवाने की जरूरत नहीं हर्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने उसका पर्पस पूरा कर दिया। देखो तुम लोग चाहो या ना चाहो, तुम लोगों का खून का रिश्ता है और वो कभी मिट नहीं सकता, आज वो प्रूव हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं दादी से बात कर लूंगा कि इस बार हम रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे। सो इट्स ओके, यू गाइस डोंट नीड टू वरी। That's better. Hi. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.